The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों आज बात करेंगे हम एक और टॉपिक ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स जो है क्या वो हेल्दी है या नहीं है, क्या आपको वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खाना तो क्या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप देखेंगे अगर ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं जगह पे ऑनलाइन ढूंढो भी तो हज़ारों ओपिनियन मिलेंगे. कोई कह रहा बहुत अच्छे है, सुपर फूड है, कोई कहेगा नहीं है तो ख़राब है. तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट होते क्या है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि गलत फहमी कईयों में हो जाती है. देखो टेक्निकली ड्राई फ्रूट इज़ अ ड्राइड फूड, यानी सुखा दिया है फल को और वो उसमें उतने ही न्यूट्रिशन है, उतना ही न्यूट्रिशन कंटेंट है जो एक फल में होता है. उस फल को जब सुखा दिया गया तो वो ड्राई फ्रूट हो गया, उसमें से पानी निकल गया. तो पानी निकल गया तो वो न्यूट्रिशन जो इतना बड़े फल में था वो एक छोटे से फल में रह गया, छोटे से फ्रूट ड्राई फ्रूट में रह गया. तो फ्रूट श्रिंक्स, ठीक है, तो छोटा स्मॉल रह जाता है तो एनर्जी जो उसमें थी वो डेंस हो गई. एनर्जी डेंस फूड, इसीलिए फल जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे अंगूर, और रेजिन जो होता है वो चुट्टू सा होता है. सो दैट इज़ द आइडिया. ड्राई फ्रूट रेजिन्स जिसको बोलेंगे, सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप है. और फिर डेट्स हो गए, प्रूनस हो गए, फिग्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, ये सारे है ड्राई फ्रूट्स. और जो खराब हैं वो होते हैं शुगर कोटेड, कैंडी कोटेड ड्राई फ्रूट्स, जिसके ऊपर शुगर कोट होती है या जैसे उसके ऊपर शक्कर लगी होती है. मैंगोज, पाइनएप्पल के ऊपर क्रेनबेरीज, बनानास, एप्पल्स, इनके ऊपर शुगर कोटेड आर नॉट गुड. ऑब्वियसली उसमें शुगर जाएगी आपके अंदर. बट ड्राई फ्रूट जो है, क्योंकि फ्रूट को ड्राई कर देते हैं, ड्राइड होकर, तो वो थोड़े ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व हो, हैंडी हो जाते हैं, उनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो ड्राई फ्रूट्स का ये इम्पोर्टेंट है. अब ड्राई फ्रूट अच्छे हैं कि बुरे हैं? ड्राई फ्रूट में भी एक फ्रूट के जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है, राइट? उसमें सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, बस छोटे पैकेज में, ठीक है. और एक बाय वेट उसमें एक फ्रूट से 3.5 गुना ज़्यादा फाइबर है, 3.5 गुना ज़्यादा वाइटामिन है, उसमें 3.5 गुना ज़्यादा मिनरल है बाय वेट. वेट क्योंकि उसका छोटा, पानी निकाल दी. तो इसीलिए एक फल जितना ज़्यादा आप खा सकते हो उससे थोड़ा सा कम मात्रा में आपको ड्राइड फ्रूट खाना पड़ेगा. तो ये कॉन्सेप्ट है बस ड्राइड फ्रूट में. देखो हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है, राइट? एक अगर नमक की बात करें तो शरीर को ज़रूरत भी है एक लिमिट में. ज़्यादा खा लिया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कम खा लिया तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या ख़राब रहता है बॉडी के लिए. तो कम भी ख़राब, ज़्यादा भी ख़राब. वैसे ही ये चीज़ जो है, ड्राइड फ्रूट जो है, एक लिमिट में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. हैवी डोज नहीं है, खाए जाना नहीं है इसको, ठीक है. सो दैट इज़ द आइडिया. वन सर्विंग आप अगर खाते हैं जो, तो एक अकेली सर्विंग आपके बॉडी के कई विटामिन, न्यूट्रिशन, मिनरल्स का कोटा पूरा कर सकता है. जैसे फोलेट, उसका कोटा पूरा हो सकता है एक बार अगर एक सर्विंग में आपने खा लिया, राइट? सो सिर्फ एक विटामिन जो है वो कम हो जाता है, जब विटामिन सी, विटामिन सी कंटेंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है जब फ्रूट को ड्राई करते हैं. बाकी कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, एक्सेप्शन, बाकी सब कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता. ड्राइड फ्रूट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो गुड सोर्स ऑफ फाइबर, खतरनाक सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स उसमें बहुत अच्छे हैं. पॉलीफिनॉल्स जो है उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज जो आपके शरीर में होता रहता है उसको कम करता है और कई बीमारियों के रिस्क कम करता है. तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट आपके लाइफ में, आपके डाइट में रेगुलरली, इफ नॉट डेली, हफ्ते में एक दो बार एटलीस्ट होने चाहिए. तो ड्राई फ्रूट्स, इसका ये हेल्थ एस्पेक्ट हुआ. कई स्टडीज़ हो चुकी है इस पर जो बता रहा है कि ड्राई फ्रूट्स जो है, जो लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग नहीं खाते उनका वज़न भी कम रहता है, वो हेल्दी भी रहते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है. सो ड्राई फ्रूट्स आर गुड, दे आर गुड सोर्स ऑफ
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि ज्यादा लेंगे तो खराब है। बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ड्राई फ्रूट ज्यादा लेंगे तो खराब है, और कई लोग कहते हैं कि ड्राइड फ्रूट जो हैं उनके अंदर नेचुरल शुगर ही ज्यादा है, कैलोरीज ही बहुत ज्यादा है। दैट्स ऑब्वियसली, जब आप एक शुगर कंटेंट को सुकुड़ के छोटे पैकेट में डाल दोगे तो सब कुछ ज्यादा, 3.5 गुना फाइबर, 3.5 गुना तो 3.5 गुना शुगर, 3.5 गुना शुगर भी हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरी, इसीलिए तो उसको कम खाना है, इसीलिए तो उसका जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। तो वही चीज़ है, बेसिक एग्जांपल है। बाय वेट अगर आप देखोगे तो शुगर कंटेंट रेजिन में 59 to 60% है, डेट्स में 64-66% है, कभी कभी 80% भी हो सकती है, प्रूनस 38, एप्रिकॉट 53, फिग्स 48% शुगर है, तो हाई कैलोरीज हैं, उसमें कभी कभी ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों है, सो यस शुगर है, राइट। मान लो इसमें 50% या 20-50% फ्रुक्टोज होता है, और बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज खाना भी नेगेटिव इफेक्ट करता है, इट कैन कॉज वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज, हेल्थ हार्ट इफेक्ट्स ऑल्सो, फ्रुक्टोज हो या ग्लूकोज हो दोनों का इफेक्ट ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं फ्रुक्टोज अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो इसलिए एक छोटा पोर्शन आपको लेना है, एक छोटे पोर्शन ऑफ रेजिन्स में 84 कैलोरीज हो सकती है, राइट, सिर्फ और सिर्फ शुगर से 84 कैलोरीज सिर्फ शुगर से, बाकी सब अलग, सो अच्छी खासी कैलोरी फूड हो सकता है, तो रेजिन्स कैन बी एडेड बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, कम खाने। सो ड्राई फ्रूट्स आर स्वीट, एनर्जी डेंस एंड वेरी न्यूट्रिशियस थिंग्स जो आपको कम खानी है, कम मात्रा में खानी है, राइट, दैट इज द आइडिया। बस ऐसे ड्राइड फ्रूट अवॉइड कर रहे हैं जिनके ऊपर शुगर कोटिंग है, कैंडी कोटेड है, चॉकलेट कोटिंग है, ऐसे अपीलिंग होते हैं, ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं, गपा गप खाए जाते हैं, बट नॉट गुड, नो बे, दे आर नॉट गुड, इसको फिर क्या हो जाएगा, दे आर हार्मफुल, वजन भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा, हार्ट डिजीज भी होगी और कैंसर भी होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। सो शुगर एडेड कैंडी कोटेड वाले नहीं खाने हैं, दूसरे खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ कभी कभी पड़े पड़े उसमें फंगस भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो कलर्ड फ्रूट्स, एप्रिकॉट्स, रेजिन्स और दूसरी चीज़ों में भी वो हो सकते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो डाले जाते हैं सल्फेट्स, कुछ लोग इन सल्फेट से एलर्जिक होते हैं तो उनको क्रैम्प्स हो सकते हैं पेट में, अगर आपको हो रहे हैं, स्किन रैशेज हो रहे हैं, कोई अटैक्स अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे उसको, बिल्कुल उसको अवॉइड करें, इसीलिए वो हर एक में नहीं होता, तो आपको देखना होगा आपको हो रहे नहीं हो रहे, और हर एक में इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते, तो आपको ये देखना होगा आप कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। इम्प्रॉपरली स्टोर्ड हो गए, अगर मान लो सही से आप ड्राई फ्रूट को स्टोर नहीं करोगे, हवा में रखोगे, गीले करके रखोगे, तो उसमें भी एफ्लाटॉक्सिन्स बन सकते हैं, फंगाई ग्रो हो सकता है, टॉक्सिक कंपाउंड बन सकते हैं, उसको सही से ग्रो करके रखना होता है, मतलब सही से स्टोर करके रखना होता है, ड्राइड फ्रूट्स हैं उनको हवा से बचा के इसलिए एयर सील पैक में स्टोर करके रखना पड़ता है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है, ड्राई फ्रूट्स जो है एज सब हर चीज़ के जैसे गुड और बैड एस्पेक्ट्स हैं, दिमाग लगाओ, है ना, आँख बंद करके किसी की बात नहीं सुननी, ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपका आपके फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको दे सकते हैं, पर उनमें शुगर भी ज़्यादा है, थोड़ी कैलोरीज भी ज़्यादा है, इसलिए उसको कम क्वांटिटी में खाना है आपको, न्यूट्रिशस होते हैं और थोड़े बहुत आप खा सकते हैं, ऐसा है, मुट्ठी भर भर के मत खाना, हाथ से मत खाना, थोड़े से निकाल लो प्लेट में और फिर उससे खाओ, बिकॉज ऐसे साथ में रख कर पता नहीं चला कितने खा गए, बहुत आसानी से ऐसी होता है, पता नहीं चला कितने खा गए, ऐसा होता है। सो ड्राई फ्रूट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब नट्स अलग है, नट्स ड्राई फ्रूट्स में गिने जाते हैं कई बार, लेकिन नट्स आर लिटिल डिफरेंट, फ्रूट्स एंड नट्स में क्या डिफरेंस है, नट्स अलग क्यों है, उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बारे में अलग से बताएंगे आपको नट्स, राइट, नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे इन्फॉर्मेशन फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।